हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे एस स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो ये वाला एंगल जो है वो उन्होंने 110 डिग्री दे रखा है। इसको आप हम एंगल वन या टू ऐसे अपनी तरफ से उसका नेम रख सकते हैं, और इसको हमने एंगल टू रख लिया, ये वाले एंगल का नेम 3 रख दिया, और ये वाले एंगल का नेम रख दिया 4। ये जो आर एस टी है वो 130 है, तो यहाँ पे 130 डिग्री हो गया। ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है, जो ए बी लाइन ड्रा की है वो आर के थ्रू पास करती हुई पी क्यू और एस टी के पैरेलल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राई लाइन ए बी थ्रू आर एंड पैरेलल टू दोनों के, हम इसको पैरेलल लगा रहे हैं पी क्यू के भी एंड एस टी के। तो अभी इसका सॉल्यूशन प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं करना, हमने फाइंड करना, तो इसलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी के, तो इसीलिए जो एंगल वन है और जो एंगल टू है इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इनको हम अलाइड एंगल्स लिख देते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स भी लिख देते हैं, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल वन यहाँ पे हमारे पास 110 डिग्री है ही, एंगल टू हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहाँ से एंगल टू जो है वो इज इक्वल टू 180, ये 110 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल टू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 70 डिग्री। इसी तरह से अभी जो एस टी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो इसीलिए फिर एंगल थ्री और एंगल फोर हैं जो, इनका सम भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन आएगा सेम, वही अलाइड एंगल्स, या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। तो इसमें भी क्या होगा, देखो एंगल थ्री जो है वो 130 है, प्लस में एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 130 जो है वो उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो वहाँ से जो एंगल फोर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 डिग्री। तो अभी ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मीन जो एंगल टू है, एंगल क्यू आर एस जो है, मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल जो हमारा फोर है, तीनों का सम जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल टू जो है वो है 70 डिग्री, क्यू आर एस हमने फाइंड करना है, ये 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड जब आप करोगे, क्यू आर एस तो एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी दोनों को जब ऐड करोगे तो वो 120 इज इक्वल टू 180। तो वहाँ से क्यू आर एस जो है वो इज इक्वल टू 180, और ये 120 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल क्यू आर एस जो है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री, और यही हमने फाइंड भी करना था। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।